निकला जा, एक बार आजा, जा, 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 आजा आजा एक बार आजा इंडिया आजा। जैसे हम फॉरेन के टूरिस्ट को बुला रहे हैं कि एक बार इंडिया की झलक देख जाइए। यस, इंडिया विच इज़ लैंड ऑफ 29 स्टेट्स 9 यूटीज वेयर 135 करोड़ इंडियंस आर एन्जॉइंग देयर फेथ इन देयर ओन रिलीजन्स वेयर दे हैव फुल फेथ इन दे कैन नो वन इज देयर स्टेट हैज नो रिलीजन अ सेक्युलर स्टेट फाइन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक बार आ जा और इस सबको देख जा। यस, कि कैसे हमारे इंडिया में कि हाउ वी इंडियन आर स्टिल लिविंग यूनाइटेडली। चाहे हमारे यहाँ रेशियल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, सो मैनी लैंग्वेजेस बोलियाँ, रीजनल सो मैनी रीजन्स अभी डिस्कस किया, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल, कास्ट, डांसिस, कुजीन, फ्लोरा एंड फोना, ऑल दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया दैट वी वॉन्ट द वर्ल्ड टू सी दैट हाउ वी इंडियन आर लिविंग इन यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी। बिकॉज यदि आप नहीं आ सकते इंडिया में तो कोई बात नहीं, वेयर एवर यू आर बी देयर बी विद अस। 10th क्लास के स्टूडेंट्स की तरह आज जिसने हम भारत दर्शन कराने वाले हैं, ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया हम करवाने वाले हैं आपको। यस, ग्लिम्स क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया लेसन 7 फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास। स्वागत करता हूँ मैं विजय कुमार आपका इन माई न्यू क्लासरूम। तो झलक होता है ग्लिम्स का मतलब यहाँ पर भी यही है कि अ शॉर्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इट। तो 3 प्लेसेज आई एम गोइंग टू टेक यू टू, बी इन योर ड्राइंग रूम आई एम टेकिंग यू टू दीज 3 प्लेसेज। यस, कि लूसियो रोड्रिगेज हमें लेकर जा रहे हैं गोवा, वाइल वी विल स्टडी अ बेकर फ्रॉम गोवा, एंड लोकेश अबरोल विल टेक यू अस कुर्ग अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, एंड अरूप कुमार दत्ता विल टेक यू असम विद टी फ्रॉम असम। सो दीज ऑथर्स प्रोवाइड अस 3 यूनिक ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया बाय डिस्क्राइबिंग एसेंस ऑफ दीज 3 प्लेसेस। These 3 culturally rich state we will visit while studying this lesson. Let's go deep in folklore there. आप भी गए होंगे, लेकिन ये तीनों स्टेट हैं, ये जो हम बातें यहाँ करेंगे, these are lesser known aspect of culture of India. And we are taking you to Goa, Kurg and Assam. आज देख लेते हैं हम कि वहाँ का कैसे importance है, इनमें क्या क्या features हैं, इनके कैसे cultural का importance है इनकी। That every state, आपको लगेगा इनको देखकर भी, that every state in India has its peculiarity or one or another and which is not known by most people. Earlier we have enjoyed Goa by studying a baker from Goa, summary. 2 marks, 5 mark question and MCQs. Then this lesson took us to Kurg by Lokesh Abrol. Summary, 2 marks, 5 marks and multiple choice questions. Today we are going to study Arup Kumar Dattas who is taking us to Assam. Yes, Guwahati mein chalte hain hum. Arup Kumar Datta is an Indian writer and journalist from Guwahati, Assam. He has written 16 books for adults and 17 adventure novels for young people. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आज आपके लिए समरी लेकर आया हूँ। बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू से यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई फ्यूचर वीडियोज एज एंड वेन आई रिलीज देम। यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप ऑन 9466707359 बाई सेंडिंग अस योर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड स्कूल नेम। वी विल एड यू इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप वेयर in the morning at 5:30 you will be getting your lessons, daily posts of English, Mathematics, Science and Hindi. And free of cost it is, we charge nothing, it's free seva, theek hai? And then you can go for PDF and you want printed material, for that we have our website mynewclassroom.in. So today let's enjoy summary. Chai garam, kya hota hai railway station par? Rajveer and Pranjol are going to Assam. Rajveer is being taken to Assam by Pranjol. Bola hai summer vacation hai, chal chalte hain. They are talking while in train that 80 crores cups of tea are drunk throughout the world daily basis. Hai na? So popular is tea. Thik?
Pranjal started reading his detective novel. He is fond of, he is ardent fan of detective novel reading jo hai. And Rajveer is presently keen on looking outside because it is first experience. And he sees that there was a beautiful scenery there, greenery everywhere that he could see never before. Magnificent view he was taking, tea bushes, vast expanse was there of tea bushes where I could as far as I could see, because Assam is having the largest concentration of tea plantation where they could see a doll like figures plucking tea leaves. Now they start talking once again, and he says that no one knows. He has read about the tea origin, two stories, वो तो legends की बात कहता है कि first है कि यहाँ पर Chinese emperor की बात करता है कि who discovered tea by chance. He used to boil the water before drinking it, and what happens one day a few leaves or twigs burning under fell into the water, and that water got delicious flavor, and these were the tea leaves. तो ये कहानी है उसकी legend की बताता है. और second है कि Buddhist monk की है who felt sleep during meditation, and in the anger he cut off his eyelids, and 10 tea plants jo hai grew out of the eyelid. The leaves of these plants when put into the water and when was drunk, it banished sleep. That is why when we feel asleep, we ask for tea. Even your mom, while you are studying late hours at night, it brings you a cup of tea. Yes, so which is quite unreasonable लगता है कि lid काटी उसमें से वो हुआ, ये story है. तो वो आगे बात करता है कि it was in 2700 BC that tree was drunk in China. और वो बोलता है कि चाय और चीनी जो हैं ये चाइनीज वर्ड्स हैं. एंड इट वॉज़ इन 16th सेंचुरी ओनली इन यूरोप दैट टी वॉज टेकन, एंड इट वॉज़ फर्स्ट टेकन एज मेडिसिन मोर देन एज या बेवरेज. ठीक है, तो मेरियानी जंक्शन आ जाता है वेयर दे आर रिसीव्ड बाई प्रंजोल्स फादर. ठीक है, वहाँ पर मिलते हैं उन्हें. ही टेक्स देम टू दखिया बाड़ी टी विच इज़ टी एस्टेट विच इज़ मैनेज्ड बाई प्रंजोल्स फादर, वेयर दे कैन सी एकर्स ऑफ टी बुशीज वेयर वुमन वर प्लकिंग न्यू टी लीव्स इन बैम्बू बास्केट एंड पुटिंग दैम इन बैम्बू बास्केट. दिस वॉज स्प्राउटिंग सीजन विच लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड विच इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट टी प्रोड्यूस सीजन. राजवीर को वो बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी भी काफ़ी पता है और भी तुम्हें यहाँ आने से काफ़ी पता लग जाएगा. तो इस तरह का ये असम के बारे में हमें बताया है अरूप कुमार दत्ता ने. दिस वॉज द समरी ऑफ द लेसन. होप यू लाइक दिस. तो लाइक का बटन दबाना. इफ़ इट इज़ एनीथिंग फील फ्री टू आस्क मी बाई गोइंग टू कमेंट सेक्शन. और मैं आने वाला हूँ 2 marks or 5 marks के क्वेश्चन आगे लेकर. बने रहिए मेरे साथ. यू ऑल आर वंडरफुल पीपल. थैंक यू फॉर बींग विद अस. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.